नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से 10+2 IT डिप्लोमा BBTech MSc MTech सब बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है। लगभग 4374 वैकेंसी है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा BARC का फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप किस हिसाब से सबमिट करना है। सभी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना, आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी और इस भर्ती से संबंधित जो भी नई अपडेट आएगी उसके बारे में भी आपको टेलीग्राम चैनल में अवगत करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल के अंदर आ जाना है, BARC ऑनलाइन एग्जाम के नाम से आपको यहां पे सर्च कर लेना है। वैसे ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पहली लिंक यहां पे आ रही है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूं, ऑफिशियल वेबसाइट यहां पे ओपन हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यहां पे इन्होंने स्टेप्स बता रखे हैं। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, इमेज वगैरह आपको अपलोड करनी है, सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन यानी कि दोबारा से आपको लॉग इन करना है, एप्लीकेशन फीस सबमिट करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों के बारे में अपन अच्छी तरीके से जान लेते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है तो इस पेज पे आप आ जाओगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको यहां पे कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, तो यहां पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेंट नेम है, तो आपका जो नाम SSC की मार्कशीट में जो लिखा है ना, वो तो आपको यहां पे लिखना है। उसके बाद में उसका आपको फर्स्ट नेम यहां पे लिखना है, मिडिल नेम और सर नेम है तो लिख सकते हो, अदरवाइज खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद फादर नेम है, उसके बाद मदर नेम है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो यहां से आपको डेट ऑफ बर्थ है वो चूज कर लेना है। नेशनलिटी आपको यहां पे सेलेक्ट करनी है, उसके बाद जेंडर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस है सिंगल और मैरिड सेलेक्ट कर लीजिए जो भी हो, कैटेगरी आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है, रिलीजन कौन से धर्म से आते हो, और उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि कहां का मूल निवास प्रमाण पत्र है तो यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों एड्रेस की डिटेल्स आती है, परमानेंट एड्रेस वो होता है जहां का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, जो आपके कागजों में एड्रेस रहता है उसके आपको फर्स्ट लाइन आपको मेंशन करनी है, यानी कि मान लीजिए कि कहीं किसी का घर है वो किसी के टेंपल के नजदीक है, तो मान लीजिए कि नियर रामजी टेंपल, तो पहली लाइन के अंदर मेंशन कर दिया, वार्ड नंबर मेंशन कर दिया, आप विलेज और सिटी यहां पे मेंशन कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट यहां से सिलेक्ट कर लीजिए, स्टेट यहां से सिलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड यहां पे आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद में आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि जो पत्राचार वाला प्रेजेंट के अंदर कहां पे रह रहे हो वो एड्रेस आपको यहां पे फिल अप कर देना है, परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अगर सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस का यहां पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद में चालू मोबाइल नंबर आपको यहां पे मेंशन कर देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, ईमेल आईडी यहां पे लगानी है, ईमेल आईडी को कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो एक्टिव है वही लगाना क्योंकि उस पे ओटीपी जाएगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है आप लगा भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, उसके बाद में कंफर्म करना है, आधार कार्ड नंबर मेंशन करना जरूरी है, आधार कार्ड नंबर को आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको खुद से क्रिएट करना है। सबसे पहले देखिए लॉगिन आईडी है, उसके अंदर कौन कौन से करेक्टर शामिल होने चाहिए, क्या लेंथ होनी चाहिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड उनकी आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि मैं आपको एक आईडी बता रहा हूं, जैसे कि अशोक कुमार 1, ये मैंने आईडी यहां पे मेंशन की तो वो वैलिडिटी बता रहा है, जिसमें मैंने अशोक कुमार के अंदर ए है वो कैपिटल लिखा है, बाकी सभी अक्षर है वो स्मॉल लिखा है, एक मैंने 1 लिखा है क्योंकि एक नंबर भी होना चाहिए। उसके बाद लॉगिन आईडी को कंफर्म कर देना है, उसके बाद में पासवर्ड है तो पासवर्ड भी आपको इस प्रकार के चूज करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने अशोक कुमार मेंशन किया जिसमें ए कैपिटल था, उसके बाद में मैंने @ का सिंबल लगाया, उसके बाद में मैंने गणित वाला 1 लगाया, यानी कि अशोक कुमार @1 जिसमें से ए कैपिटल था, ठीक है, तो वो मेरा वैलिड पासवर्ड था। उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म कर देना है, नीचे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये आपको यहां पे फिल अप कर देना है, उसके बाद में आपको OTR प्रयोग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इस पे आपको क्लिक करना है। मैं सारी डिटेल्स फिल अप कर लेता हूं, उसके बाद में अगले पेज पे चलते हैं। दोस्तों, उसके बाद में आपको लॉग इन वाले पेज पे आ जाना है, जहां पे आपको लॉग इन आईडी मेंशन करनी होगी जो कि आपने क्रिएट किया, उसके बाद में पासवर्ड आपको मेंशन करने होंगे, वैसे ये ऑटोमेटिक भी आ जाएंगे। उसके बाद नीचे जो कैप्चा यहां पे दिखा रखा है वो कैप्चा आपको फिल अप कर लेना, ठीक है। एक बार के लिए ये पेज आपका अगर गायब भी हो जाए तो दोबारा से आपको क्या करना है, BARC की जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ था नीचे उसके लॉग इन का भी ऑप्शन मिलेगा, तो ये आईडी और पासवर्ड डाल करके वहां से भी आप लॉग इन कर सकते हो। नीचे मैं लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो यहां पे फोटो और सिग्नेचर वगैरह आपको अपलोड करने की ऑप्शन आएगी, ये मैंने ऑलरेडी
यहाँ पे अपलोड कर दिए थे ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। फोटो का जो साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फोटो चूज कर लेनी है, उसके बाद में अपलोड फोटोग्राफ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके सिग्नेचर आपको चूज कर लेना है, उसके बाद में अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोनों चीजें आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई देगी। सिग्नेचर का साइज 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे आपको टिक कर देना है, उसके बाद नीचे सामने जो कैप्चा दे रखा है यानी कि PZL और फिर ठीक है ये मैंने फिलअप कर दिया, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों जो डिटेल्स आपके सामने दिखाई दे रही है, जिस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है उस पोस्ट के सामने जो आपको अप्लाई वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसी पे क्लिक करके आपको कंप्लीट फॉर्म है वो सबमिट करना है। मान लीजिए कि मैंने IT इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कर रखी है तो मैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 इलेक्ट्रीशियन से आवेदन करूंगा। हालांकि जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो सारी की सारी चीजें हैं वो अप्लाई करने का प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है। मैं IT इलेक्ट्रीशियन से हूँ मान लीजिए, अप्लाई वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद में कई सारी डिटेल्स ऑलरेडी आपके सामने फिलअप हो रखी होगी और कई चीजें आपको फिलअप करनी है, जैसे कि ट्रेड सर्टिफिकेट है। यहां पे जिन बच्चों ने 2 साल का IT का कोर्स किया तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। NSE यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो यहां पे क्लिक करेंगे। 1 साल की IT 1 साल का अप्रेंटिसशिप है तो यहां पे क्लिक करेंगे। 1 साल की IT और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो नीचे वाला ऑप्शन चूज करेंगे। मैं IT फ्रेशर्स हूं, 2 साल का कोर्स किया तो NTC IT 2 ये सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है, विकलांग हो या नहीं हो यस और नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप ऑलरेडी कर्मचारी हो या नहीं हो तो नो सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद में आपको यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित डिटेल्स आपको फिलअप कर लेनी है। SSC तो देखिए सभी में आएगा यानी कि 10th है। उसके बाद में आपने जो पोस्ट चूज किया उसके अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाई देगी। मान लीजिए कि आपने स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 से आवेदन कर रहे हो तो IT की जगह आपको डिप्लोमा दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां पे आपको सबसे पहले देखिए साइंस एंड मैथ तो ये आपको ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेना है। यहां पे स्कूल का नाम मेंशन करना है, 10th में मैक्सिमम कितने नंबर थे, आपको कितने मिले, परसेंटेज यहां पे क्लिक करते ही ऑलरेडी आ जाएंगे। उसके बाद मंथ एंड ईयर, आपने कौन से साल 10th कंप्लीट की। उसके बाद में IT इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपके कॉलेज का नाम है, मैक्सिमम मार्क्स है, आपको कितने नंबर मिले, परसेंटेज है। उसके बाद कितने साल का कोर्स था वो चीज है। उसके बाद में आपका मंथ हो रही है यानी कि जिस महीने और साल में आपकी IT कंप्लीट हुई है, इस हिसाब से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में एग्जाम सिटी आपको चूज करनी होगी तो 3 ऑप्शन है। मान लीजिए कि पहला ऑप्शन मैंने अगरतला सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कि दूसरा मैंने देहरादून ले लिया और मान लीजिए कि तीसरा मैंने कटक ले लिया। उसके बाद में आपको प्रीव्यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म का प्रीव्यू भी देख सकते हो। मैं कंप्लीट चीजें फिलअप करके इसके प्रीव्यू वाले पेज पे आ जाता हूं। अब देखिए अगला जो पेज आपके सामने आएगा दोस्तों, उसमें आपने जो भी डिटेल्स फिलअप कर रखी है वो आपको दिखाई देगी, यानी कि सेकेंडरी डिटेल्स कंफर्मेशन के लिए ये पेज आपको दिखाई देगा। तो सभी चीजें आपको आराम से देख लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन है इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में एडिट करना है तो एडिट वाले ऑप्शन पे आप जा सकते हो, अदरवाइज आप फाइनल सबमिशन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको आ जाना है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो पेज आपके सामने आएगा उसमें आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ये जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है इनको आपको नोट डाउन कर लेना है। वैसे आपको ये जो नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको आपकी ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिए गए हैं। उसके बाद में क्लिक टू होम वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके होम पेज पे आ सकते हो। होम पेज पे आने के बाद में दोस्तों दोबारा से आपको यहां से लॉगिन कर लेना है। अभी लॉगिन करके अपन पेमेंट कर लेते हैं। दोस्तों लॉगिन करने के बाद में जो आपके सामने पेज ओपन होगा, आपने जिस पोस्ट के लिए आवेदन किया था उस पोस्ट के सामने आपको आके देखना है। यहाँ पे आपको पे फी पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यानी कि एप्लीकेशन फीस पेंडिंग है तो पे फी पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अभी देखिए पे नाउ का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे कौन कौन से ऑप्शन है, तो इंटरनेट बैंकिंग है, उसके बाद में वॉलेट्स है, उसके बाद में NEFT है, उसके बाद में SBI ब्रांच पेमेंट है। तो इनमें से कोई भी आप एक मेथड सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि वॉलेट का ऑप्शन में सेलेक्ट कर रहा हूं, वॉलेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा तो उसके बाद में जैसे कि पेटीएम का ऑप्शन आया तो वो मैंने यहां पे क्लिक कर दिया। उसके बाद पे नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो यहां पे क्लिक करके मैं पेमेंट कर सकता हूं। इसी हिसाब से कोई बच्चा इंटरनेट बैंकिंग का यूज
यूज़ करता है तो इंटरनेट बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको बैंक सेलेक्ट कर लेनी है भी किस बैंक के जरिए आप आवेदन करना चाहते हो, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में या फिर आप पॉपुलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है SBI का, तो यहाँ पे टिक करोगे तो SBI ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। पे नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इसके जरिए भी आप पेमेंट कर पाओगे। यहाँ पे आपकी कितनी टोटल फीस बन रही है वो सब आपको दिखाई दे जाएगी। जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करने के लिए आपको आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। यहाँ पे जो चीजें मैंने की है, जो फॉर्म मैंने भरा है, ये केवल आपको दिखाने के लिए भरा, तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फीस को सबमिट नहीं कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने का। तो उम्मीद है कि सारी चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके मुझे सपोर्ट करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।